इसीलिए बनाया गया है उन्हीं टाइप के बच्चों के लिए, बट ऐसा नहीं है अब हर टाइप के बच्चे मेरे पास हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी सिर्फ यही ड्यूटी है, मेरी एक्स्ट्रा 3 ड्यूटी है, प्लेटफॉर्म ड्यूटी है, महिला हेल्प डेस्क प्लस पाठशाला। इसलिए टेस्ट ली थी बच्चों का कि मैं खुद देखना चाहती थी कि मैं कितना सक्सेस हो पाई हूँ। बच्चों के लिए मेडल भी लेकर के आई है अपने से खरीद करके बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि अगला बच्चा जो लेकर के जाएगा उसको देख करके अगला बच्चा जो है कि काफी ज्यादा मोटिवेट होगा। बहुत अच्छा काम किया गया है, आई थिंक ये हर स्टेशन पे होना चाहिए। आज हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं जिस रेलवे स्टेशन से सैकड़ों गाड़ियां गुजरती है, लेकिन इन रेलवे स्टेशन पे एक ऐसा पाठशाला जो है कि चलाया जाता है जिस पाठशाला को लोग महत्व नहीं देते हैं। इन पाठशाला में जो है कि उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो घर से काफ़ी कमजोर होते हैं, या यूँ कहे तो जो है कि यही रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते हैं, यूँ कहे तो इसी रेलवे स्टेशन पे कूड़ा करकट यानी बोतल यानी प्लास्टिक जो चुनते हैं, उन बच्चों को जिंदगी को एक नई मकसद देने के लिए उन बच्चों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से जीआरपी की तरफ से यहाँ पे एक पाठशाला की शुरुआत की गई है, और इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो है कि कंटिन्यू यहाँ पे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखेंगे तो उस तरफ भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और चारों तरफ जो है कि बच्चे से लेकर के बच्चियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे आते भी हैं। और ये कोई बड़े घराने से नहीं है, ऐसे नहीं है कि कोई करोड़पति के बच्चे हैं, ये लोग जो है कि मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसी स्टेशन पे काम करने वाले लोगों के बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे इसमें से जो है कि बोतल चुनते थे। उन बच्चों के जिंदगी को एक मकसद देने के लिए जीआरपी की तरफ से ये पाठशाला का शुरुआत हुआ है। बाकी हमारे साथ इस पाठशाला की जो मैडम है जो इन बच्चों को पढ़ाती है उनसे बातें करेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच। मैडम कब से इस पाठशाला की शुरुआत हुई, कब से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? जी ये सितंबर माह से चल रही है 2023 से। जी जी तो लगभग 6-7 महीना हो गया। हाँ हाँ डेफिनेटली। तो 6 महीना में बच्चे काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए होंगे, क्योंकि जब आए होंगे तब तो कम होंगे। जी बिल्कुल। अभी कितने बच्चों का अटेंडेंस आपके पास? अभी मेरे पास 48 बच्चे हैं। 48 बच्चे। जी जी। तो स्टेशन पे आमतौर पे देखा जाता है वो बच्चे होते हैं जो कूड़ा करकट चुनते हो, भीख मांगते हो, या फिर जो अनाथ हो जिसके मम्मी पापा सक्षम ना होते, इसमें उस टाइप के बच्चे हैं कि नहीं? जी जी उस टाइप के ही बच्चे हैं, बट अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसी टाइप के बच्चे हैं। एक्चुअली ये संस्था इसीलिए बनाया गया है उन्हीं टाइप के बच्चों के लिए, बट ऐसा नहीं है अब हर टाइप के बच्चे मेरे पास हैं। मतलब जी लो फैमिली के लोग भी? हाँ लो फैमिली से, मिडिल फैमिली से भी है, इवन प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं मेरे पास एक दो। अच्छा, आपको स्पेशल जो है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ 2-3 घंटे का ड्यूटी दिया जाता है? जी 4 घंटा मॉर्निंग। ऐसा नहीं है कि मेरी सिर्फ यही ड्यूटी है। हाँ। मेरी एक्स्ट्रा 3 ड्यूटी है, प्लेटफॉर्म ड्यूटी है, महिला हेल्प डेस्क प्लस पाठशाला। हाँ, तो अगर रात में मतलब कोई भी महिला अगर किसी प्रकार से अगर वो महिला आई हेल्प मांगने के लिए तो हाँ, तो मुझे उन्हें देखना है, चाहे 12 बजे रात को हो, 2 बजे रात को हो, तो मुझे आना ही है। तो भाई कौन कह सकता है कि महिलाएं जो है कि कोई काम नहीं कर सकती? एक महिला जो 3-3 ड्यूटी को अपनी ईमानदारी से जो है कि निभा रही हैं, और जो है कि आमतौर पर लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। पहले कुछ बच्चों से बातें करते हैं, उसके बाद से मैडम से तमाम जानकारियां ली जाएगी। इधर से शुरुआत करते हैं, क्या नाम है बाबू आपका? मुस्कान। मुस्कान किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 3 क्लास में। तो विद्यालय जाती हैं आप? यहाँ। अब ये बताइए कि मुस्कान का स्पेलिंग क्या होता है? इंग्लिश MUSKAN। मुस्कान। यस। MUSKAN। मुस्कान। तो ये कौन बताया आपको, कौन सिखाया है? मैम। मैडम। yes. तो यहाँ पे जो क्लास कराती हैं मैडम वही सिखाई आपको? हाँ। अब ये बताइए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है अभी? श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। अब ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से पढ़ने के लिए आती हैं? 3-4 सप्ताह से। 3-4 सप्ताह से। अब ये बताइए यहाँ पे पढ़ने से आपको कुछ फायदा दिख रहा है? हाँ। विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई होता है कि नहीं? हाँ। वहाँ पे भी होता है? यहाँ पे भी होता है। और यहाँ पे भी होता है? हाँ। ये आपकी साथी है, क्या नाम है बाबू आपका? मेरा आंचल कुमारी। आंचल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वर्ड मीनिंग आपको आता है कि नहीं? आता है। क्या लिखते हैं थोड़ा बताइए तो? ए। हाँ। ए और एन। हाँ। ए एन सी। हाँ। एच। हाँ। एल। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए छोटे छोटे ये बच्चे हैं, बहुत ही कम छोटी छोटी चीजों पे लोग ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके पहले आप कहाँ पे पढ़ाई करती थी आप? इसके पहले हम पढ़ते थे ब्लॉक के पास। स्कूल जाती थी कि नहीं? जाते थे। आज भी जाती हैं कि नहीं? अब नहीं जाते, नाम कट गया है। स्कूल से नाम कट गया है तो यहीं पे पढ़ने के लिए आती हैं? हाँ। अच्छा आपके मम्मी पापा है ना? हाँ। तो पापा क्या करते हैं आपके? ऑटो चलाते हैं। पापा ऑटो चलाते हैं? हाँ। और आप यहाँ पे पढ़ाई करती हैं? हाँ। तो यहाँ पे कौन लाके आपको छोड़ता है, इस स्टेशन पे कौन लाता है आपको?
या अकेले आती हैं? अकेले आते हैं। अकेले आती हैं और अकेले जाती हैं। हाँ। चलिए, आपका हेड राइटिंग बहुत अच्छा है, काफी सुंदर है। बच्ची जो है कि इंग्लिश में देखिए कितना प्यारा हेड राइटिंग लिखी है, वाकई में काफी खूबसूरत हेड राइटिंग है। इस बच्ची का भी हेड राइटिंग काफी खूबसूरत है, यानी कहे तो बच्चे जो है कि बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों को एक मकसद बना करके जिंदगी को संवारने के लिए वो कोशिश की जा रही है और ये बच्चे कर भी ले। आपका क्या नाम है बाबू? सनी। सनी, सनी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? टू क्लास में। तो टू को वर्ड मीनिंग आता है आपको? नहीं नहीं आपको आता है। तो आप दो क्लास में पढ़ते हैं तो स्कूल जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। जाते हैं तो मैडम के पास कब से आते हैं पढ़ने के लिए? एक हफ्ते से। एक हफ्ता से? तो मैडम मारती औरती हैं कि नहीं? नहीं नहीं मारती हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई गलती आपकी है तो मैडम नहीं मारती है आपको, समझाती हैं? हाँ। समझाती हैं? हाँ, मारती नहीं है, डांटती है। डांट देती हैं लेकिन मारती नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ कि आप मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। और आप किसके साथ आते हैं? हम अकेले आते हैं, भाई के साथ। आपके भाई हैं वो, तो भैया के साथ आप अकेले आते हैं? हाँ। आपका क्या नाम है बाबू? रिया कुमारी। रिया, रिया को स्पेलिंग में क्या बोलते हैं? रिया का स्पेलिंग क्या होता है? RIYA। रिया। तो ये सब वर्ड मीनिंग कौन सिखाया आपको? मैम। मैडम सिखाई है। तो मैडम जो पढ़ाती हैं आप लोगों को समझ में आता है? जी। अच्छे से समझ में आता है जी। विद्यालय जाती हैं? यस। किस क्लास में पढ़ती हैं? टू क्लास में। टू क्लास में पढ़ती हैं। तो यहाँ पे क्यों आती है? विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है? नहीं, उतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे आती है तो आपको अच्छा समझ में आता है कि नहीं? जी अच्छा। संतुष्ट है यहाँ से? यहाँ। पापा क्या करते हैं आपके? होटल में काम करते हैं। पापा होटल में काम करते हैं जी। और आप पहले कहाँ पढ़ती थी, पहले क्या करती थी आप? पहले हम सर प्रमोद सर के पास पढ़ते थे, पर पापा 2 महीने से काम छोड़ दिए तो हम छोड़ दिए और इधर ही से आने लगे। तो वहाँ पैसा देना पड़ता होगा ना जी? तो पैसा घर पे था नहीं? नो। तो मैडम के पास आ गए पढ़ने के लिए? यस। वो तो कुछ आपसे सवाल पूछे? अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और भारत के प्रधानमंत्री याद है कि नहीं? देखिए बच्ची छोटी है, हालांकि बहुत मासूम है, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। सब कुछ समझना बहुत बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को समझना आपको आता है कि नहीं बाबू? देखिए बच्चा सिखा रहा है। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम। शिवम, भारत के प्रधानमंत्री कौन है आप बताओ तो? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, नहीं, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी। अब ये बताइए 1-2 आता है कि नहीं? आता है। कहाँ तक? 100 तक? 100 तक आता है? हाँ। पहाड़ा कहाँ तक आता है? 11 तक। 11 तक आता है, सच में आता है ना? तो 9 का पहाड़ा सुना दो तो। 9 का 9 9 18 9 13 27 9 चौका 24 9 चौका 36 9 पचे 9 पचे 45 9 पचे 45 9 छक्के 54 9 छक 54 9 बहुत अच्छा। देखिए बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है। आपका क्या नाम है बाबू? राजवीर कुमार। क्या नाम है? राजवीर कुमार। राजवीर। तो राजवीर आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास में। तो आपको क्या क्या आता है? पहाड़ा कहाँ तक आता है? 11 तक आता है। 11 का सुनाओ तो। 11 का 11 11 22 11 23 24 11 55 56 78 78 99 110। बहुत अच्छा। देखिए ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन बच्चों से बाकी लोगों को सीखने की जरूरत है। बच्ची से बात करेंगे। आपका क्या नाम है बाबू? चांदनी कुमारी। चांदनी। चांदनी आप पढ़ने के लिए आती हैं, काफी खूबसूरत देख रहे हैं, डिजाइन भी बनाई हैं। ये सब कौन बताता है बनाने के लिए? सब मैम बताती हैं। मैडम बताती हैं। तो एप्पल, एप्पल मतलब सेव, तो सेव का चित्र भी बनाना है। हाँ। और ये गेंद का भी चित्र बनाना है इसमें। हाँ। बिल्ली का भी चित्र बनाई है, कुत्ता का भी चित्र बनाई है। सब बनाई है मैम। सब कुछ बनाई, मछली का बनाई है, अंगूर का बनाई है, मुर्गी का बनाई है। तो ये सब आप बना लेती हैं। अच्छा ये बताइए आप क्या करती थी पहले? ऐसा पहले हम लोग खेलते कूदते हैं लोग, ऐसा कबार उबार चुनते हैं लोग, तो पढ़ाई सुने तो यहाँ पे चले हैं लोग हम लोग पढ़ने के लिए। पहले प्लास्टिक वगैरह कचरा चुनती थी? तो पापा बोलते थे चुनने के लिए कि अपने मन से? सब लोग चुनते थे। मतलब घर के सभी लोग करते हैं ये काम? नहीं। हाँ। पापा झाड़ू पूछा करते हैं। पापा कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं? हाँ, डंकल। और आप यहाँ पे पढ़ाई करती हैं? हाँ। तो आप किसी के साथ आती है, भाई बहन के साथ, कि अकेले आती हैं?
हम लोग भाई बहन के साथ आते हैं। तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? स्कूल नहीं जाती हैं? नहीं, मैडम के पास पढ़ने आती हैं। हाँ। ये बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से बात करके। कुछ इधर बच्चियाँ, आपका क्या नाम है बाबू? अंचला कुमारी। अंचला, अंचला किस क्लास में पढ़ती हैं आप? स्कूल अभी नहीं जाते हैं। स्कूल नहीं जाती हैं? ओ चलिए कोई बात नहीं, मैडम अच्छे से पढ़ाती हैं कि नहीं? हाँ। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी, देख रहे बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग है आपका, इतना सुंदर कैसे लिख लेती है? कौन सिखाया लिखने के लिए? मैम। मैडम सिखाई है? हाँ। अच्छा, आप विद्यालय जाती है कि नहीं? हाँ। तो विद्यालय में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। मैडम पढ़ाती है अच्छा? हाँ। तो मैडम मारती भी तो होंगी ना? नहीं, गलती करते लोग सिर्फ डांटती है, उठा बैठ कराती है। मारती नहीं है? नहीं। तो मारती नहीं इसलिए आप लोग बिगड़ गए ना? नहीं, गलती नहीं करते हैं? करते हैं, करते हैं ना। तो ये बताइए एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। अच्छा, एप्पल मतलब बनाना मतलब? केला। ग्रेप्स मतलब? अंगूर। कोकोनट मतलब? नारियल। ओनियन मतलब? प्याज। पोटैटो मतलब? आलू। अब ये बताइए टोमेटो मतलब क्या होता है? टमाटर। अच्छा, संडे मंडे याद है? Sunday, Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday। बहुत अच्छा लगा, याद हमको, विश्वास है पूरा, बहुत प्यारी बच्ची है। देखिए सब लोगों से बात करने में थोड़ा सा समय का अभाव है, बाकी इतना मुझे जरूर पता लग गया कि बच्चे काफी बेहतर कर रहे हैं। मैडम से कुछ बात करेंगे, मैडम बच्चों का समय समय पे टेस्ट लिया जाता है कि नहीं? जी जी, मैं टेस्ट ली हूँ, 12 तारीख को ही टेस्ट था बच्चों। अच्छा, का तो टेस्ट में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि वो आपका जांच हो जाता है बच्चे? हाँ, तो मैं इसलिए टेस्ट ली थी बच्चों का कि मैं खुद देखना चाहती थी कि मैं कितना सक्सेस हो पाई हूँ। हाँ। तो उसमें से फर्स्ट सेकंड चूज भी किया। हाँ, फर्स्ट सेकंड चूज किया गया है बच्चों के लिए। हाँ। उनके लिए मेडल भी है सर, मतलब एक एज ए गिफ्ट के तौर। जी जी, ताकि इससे होता है ना कि प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, उन्हें देखकर, और पिछले बच्चे जो है जो फेल हो गए हैं इस टेस्ट में वो इम्प्रूव कर पाएंगे। बिल्कुल, हाँ, तो ये प्रोत्साहन के लिए एज अपने मतलब थिंकिंग से ये करती हैं कि नहीं, मैं खुद जो मैं बस पाठशाला पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरे मुझे दिया गया है, बाकी सब जितना जो होता है मैं खुद ही करती हूँ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैडम जो है कि बच्चों के लिए मेडल भी लेकर के आई हैं अपने से खरीद करके, बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि अगला बच्चा जो लेकर के जाएगा उसको देख करके अगला बच्चा जो है कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होगा, और वो बच्चा अपने लिए और अपने आने वाले समय के लिए कुछ बेस्ट कर पाएगा। क्या लगता है ये पाठशाला खोल करके बहुत अच्छा काम किया गया है? जी, बहुत अच्छा काम किया गया है। आई थिंक ये हर स्टेशन पर होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कोई भीख मांगते हुए, कोई विकलांग है, दिव्यांग है, वो लोग भी वहाँ चल नहीं पाते। जी बिल्कुल, उन्हीं के लिए है ये, होना चाहिए ऐसा, हर स्टेशन पे होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई टारगेट नहीं है कि हमको 100 ही पढ़ाना है, ज्यादा आ जाते हैं तो ज्यादा को भी पढ़ाना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स नहीं है ना, मेरे पास जितने बच्चे आएंगे मैं तो सबको पढ़ाऊंगी। तो डेली चलता है ये पाठशाला? हाँ जी, डेली चलता है, इवन संडे को भी चलता है, बट संडे को मैं वर्ड मीनिंग गेम रखती हूँ इन लोगों के लिए, माइंड टेस्टिंग के लिए वर्ड मीनिंग गेम रखती हूँ, और सैटरडे को इनको ड्राइंग भी मैं सिखाती हूँ, वहाँ रूटीन बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बाकी देखिए, ये पाठशाला जो है कि देख करके मुझे काफी खूबसूरत लगा, बाकी मैडम जो है कि इन बच्चों को जो है कि मेडल जो है कि पहना करके इन बच्चों को सम्मानित करेंगी। कुछ दिन पहले ही सरस्वती पूजा निकला है बसंत पंचमी, तो ये पाठशाला है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है पूजा तो होना चाहिए था। जी, पूजा हुआ है, बच्चों के ही रिगेट से पूजा रखा गया था, ऐसे तो थाना में ये सब नहीं है अलाउ, बट बच्चों के जिद के लिए पूजा हुआ। हाँ, पूजा किया गया था। तो कोई कार्यक्रम भी हुआ बच्चों को? हाँ, मैं बस एक कैंडल बर्न वाला जो होता है, हाँ हाँ, वो गेम मैं बच्चों के बीच रखी थी। उसमें भी जो है कि फर्स्ट सेकंड हुआ? हाँ, उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा गया प्राइस। ये सब कॉन्सेप्ट आपको आता कहाँ से मैडम, बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए? अब देखिए, मैं भी तो स्टूडेंट रह चुकी हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट बहाल हो गई, मतलब मैं भी तो स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और स्कूल कॉलेज में हमारे ये होता था, तो वही सबसे ऐसे प्रोत्साहन मिलता है, जैसे हम लोगों को भी स्कूल कॉलेज में किया जाता था, ट्यूशन वगैरह में किया जाता था, तो हम लोग भी बहुत बहुत प्रोत्साहित होते थे और भाग लेते थे। तो मैं सोची कि क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कुछ बीच बीच में छोटी मोटी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि मानसिक चीजों को तनाव से अलग, तनाव ना लग, और ये पढ़ाई को स्ट्रेस समझ के ना पढ़ें, बोर ना हो, मनोरंजन के तौर पे पढ़ें, इसलिए मैं बीच बीच के इन लोगों को ना बीच बीच में हंसाती भी रहती हूँ। हाँ, ताकि इन्हें बोरिंग ना फील हो, और ये शायद इसीलिए आज मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगा, बाकी आप लोग जो है कि इस खूबसूरत पाठशाला के, देखिए ये रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा पाठशाला है, और ये कोई छोटा मोटा चीज इसको ना समझे, ये देश के बच्चों के भविष्य को तैयार यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे किया जाता है, और ये बच्चे जो है कि आने वाले समय में अपने देश के, अपने बिहार के और अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाएंगे,
और बिल्कुल बिल्कुल तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा।